हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग शेफ। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि कॉन्स्टेंट लेआउट क्या होता है एंड कॉन्स्टेंट लेआउट से हम एक एनिमेटेड यूआई कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेबल लेआउट क्या होता है। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम, नाउ लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज टेबल लेआउट? टेबल लेआउट क्या होता है? टेबल लेआउट इज अ लेआउट इन विच द व्यूज कैन बी प्लेस्ड इन अ हॉरिजॉन्टल रो और कॉलम। ऐसा लेआउट जिसमें हमारे व्यूज एक रो में या फिर कॉलम में प्लेस किए जा सकते हों, ऐसे लेआउट को हम कहते हैं टेबल लेआउट। सो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पर चलते हैं। यहां पर मैंने एक अपना प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है टेबल लेआउट के नाम से। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें हमने बताया कि एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम अपनी XML फाइल पर चलते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि android.support.constant.constant.layout, आप इसे यहाँ से कट कर देंगे इस लाइन को एंड यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल लेआउट। ये ऑटोमेटिकली खुद टेबल लेआउट आ जाएगा। यहाँ से आप इसे टेक्स्ट व्यू को कट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो टेबल लेआउट होता है इसमें कॉलम्स के लिए कोई टैग नहीं होता। यहाँ पर सिर्फ टैग होता है रोज के लिए। जो टैग होता है ये टेबल रो। हम टेबल रो डिफाइन करते हैं एंड उसके अंदर अपने व्यूज को रखते हैं। यहाँ पर हम विड्थ इसकी देते हैं मैच पेरेंट एंड हाइट वेब कंटेंट। यहाँ पर हम इसे एक आईडिया साइन कर देते हैं रो वन। अब आपको जो भी व्यू रखने हैं, बटन, इमेज व्यू, टेक्स्ट व्यू, आप इस रो के अंदर रखेंगे। मैं यहाँ पर बटन लेता हूँ, बटन विड्थ वेब कंटेंट हाइट, ये भी वेब कंटेंट, आईडी दे देते हैं यहाँ पर BT1, टेक्स्ट दे देते हैं यहाँ पर जावा, ओके। हम इसे पहले प्रीव्यू में देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं कि ये हमारा लाइन शो हो रही है ऐसे। ये एक कंप्लीट टेबल लेआउट लिया है हमने, जिसमें ये हमारी फर्स्ट रो है और फर्स्ट रो में हमारा ये एक बटन है। मैं यहाँ पर और बटन लेता हूँ, जस्ट कॉपी दिस, Ctrl+C एंड Ctrl+V, Ctrl+V एंड Ctrl+V। मैं यहाँ पर इनकी आईडी एंड नेम चेंज कर देता हूँ BT2, सॉरी ये यहाँ पर आईडी हम यहाँ पर देंगे इसकी, पहले हम आईडी देते हैं @+ID BT1। यहाँ पर पाइथन नेम @+ID BT2। यहाँ पर भी @+ID BT3 एंड हियर आई चेंज द नेम ऑफ टेक्स्ट एंड्रॉइड। यहाँ पर हम लेते हैं C#। @+ID BT4।
ओके, आप यहां पर देख सकते हैं कि कंप्लीट एक रो में चार बटन आ चुके हैं। अब यहां पर हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ एट्रीब्यूट होते हैं। एक हमारे पास होता है स्ट्रेच कॉलम का, एक हमारे पास होता है स्पैन का, एक हमारे पास होता है स्पैन सॉरी कॉलेप्स कॉलम का। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्ट्रेच कॉलम, स्ट्रेच कॉलम है। अब आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं पहले कि जो सी शार्प है यहाँ पर अभी स्पेस बचा हुआ है। सो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ थ्री, तो ये सी शार्प जो है कॉलम जो है बटन जो है ये कंप्लीट स्पेस इसने फुल कर दिया है। अब आप यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर बटन चार है लेकिन हमने यहाँ पर नंबर थ्री दिया हुआ है, सो ये मैटर क्या है। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ कि जो हमारे व्यूज़ की इंडेक्सिंग होती है रो के अंदर वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है टेबल लेआउट में। सो अगर हम यहाँ पर जीरो देते हैं सॉरी जीरो देते हैं तो ये जो हमारे जावा वाला बटन है ये कंप्लीटली स्पेस फिल कर देगा। अगर यहाँ पर हम टू देते हैं तो जो 0 1 2 जो एंड्रॉयड वाला है इसने अपना पूरा स्पेस फिल कर लिया है। अब एक प्रॉपर्टी आती है श्रिंक, कॉलम श्रिंक। अब श्रिंक प्रॉपर्टी काम कब करती है, अगर हमने एक रो में अपने कई बटन लिए हुए हैं और उनमें से हमें किसी बटन को छोटा करना है या श्रिंक करना है तब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो हमारी रो है ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है, हमें क्या करना है कि कुछ साइज इनकी विड्थ बढ़ा देते हैं, जो ये हमारा बटन है इनकी थोड़ी थोड़ी विड्थ बढ़ा देते हैं कि ताकि ये हमारे लेआउट से बाहर हो जाए और फिर हम इसे बाद में श्रिंक करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पर इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ। DPI। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारी इसकी जावा की विड्थ इंक्रीज हो चुकी है एंड सी शार्प हमारा लेआउट से बाहर जा रहा है। अब हमें श्रिंक करना है, सो हम श्रिंक प्रॉपर्टी लगाते हैं श्रिंक कॉलम 0। हमने 0 लगाया तो 0 पोजीशन कौन सी है, जावा वाली, जावा वाले बटन की। सो जितना भी हमारा साइज एक्चुअल होगा रैप कंटेंट का जो साइज होगा कि ताकि जो एक लेआउट में हमारे सारे व्यूज आराम से आ जाएं तो उसको वो श्रिंक कर देगा। क्लियर। अब यहां पर एक प्रॉपर्टी आती है कॉलैप्स, कॉलैप्स कॉलम, जिस कॉलम को हमें कॉलैप्स करना है उस कॉलम को कॉलैप्स कर देगा। मान लिया मैं इस प्रॉपर्टी को लगाता हूँ 0 पर, तो जो हमारे पास 0 पोजीशन पर जो कॉलम था वो कॉलैप्स हो चुका, वो जा चुका है। मैं यहाँ पर लगाता हूँ 2 पर, तो जो हमारा सेकंड नंबर का जो कॉलम था वो यहाँ से कॉलैप्स हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हमारे सेकंड नंबर पर एंड्रॉयड है 0 1 2। सो हमने यहाँ पर 2 अगर लगाया तो एंड्रॉयड यहाँ से जा चुका है। अब एक प्रॉपर्टी हमारी होती है कॉलम को मर्ज करने की, उसके लिए पहले हमें दो रो डिफाइन करनी होगी। ये कंप्लीट कॉपी कर लेते हैं इसे कंट्रोल सी एंड यहां पर कंट्रोल वी, यहां पर हम इनकी आईडी चेंज कर देते हैं। ये सेकंड रो है, ये बटन 5, यहाँ पर हम कर देते हैं .NET
ये है बटन सिक्स, यहाँ पर कर देते हैं सी। ये है हमारा सी प्लस प्लस, एंड इसकी आईडी कर देते हैं हम 7। एंड यहाँ पर हम करते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पर हम इसकी आईडी चेंज करते हैं, आपको मैं कंप्लीट ऐसे दिखाता हूँ। आईडी हम इसकी चेंज कर दें 8। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्लीटली इस तरीके से आ चुका है। यहाँ पर हम वापस रैप कंटेंट करते हैं विड्थ में, रैप कंटेंट, एंड यहाँ पर भी रैप कंटेंट। अब जो हमारी दो कॉलम को मर्ज करने की प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी का नाम होता है स्पैन। अगर मैं यहाँ पर लगाता हूँ स्पैन, मैं यहाँ पर लेआउट स्पैन 2 करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट बटन जो था, उसने जो दो कॉलम थे डॉटनेट एंड सी शार्प, इन दो कॉलम को जो इनकी जगह थी वो अपने में ले ली है, कि दो कॉलम का स्पेस अपने में ले लिया है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि मैंने कहा है कि जो स्पैन जो होता है वो सिर्फ दो कॉलम को मर्ज करता है, मैंने ये नहीं कहा कि दो व्यूज को मर्ज करता है। कभी आप ऐसे समझे इस चीज़ को कि जो हमारा डॉट नेट या फिर सी है ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो स्पैन जो होता है वो हमारे दो कॉलम को मर्ज करता है, ना कि दो व्यूज को। सो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ऐसे इसमें बिल्कुल ही कन्फ्यूज मत होना। ऐसे ही अगर मैं करता हूँ पाइथन को, यहाँ पर नीचे लाकर मैं पाइथन पर करता हूँ स्पैन 2। सो स्पैन 2 क्या हुआ, पाइथन ने दो कॉलम की जो जगह थी वो ले ली है। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 1, सो कॉलम 1 तो एक 1 के नीचे ही है, तो स्पेस बाय डिफॉल्ट 1 ही होता है। किसी व्यूज को दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा कॉलम के इक्वल करना है, सो हम इसमें स्पैन देते हैं 2। अगर मैं यहाँ पर देता हूँ स्पैन 3, तो 3 यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे यहाँ पर तीन कॉलम बनने की जगह नहीं है, यहाँ पर दो ही कॉलम है, तो 3 नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर मैं फर्स्ट में 3 देता हूँ वहाँ पर हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पेस था, सो जो हमारे तीन कॉलम थे वे मर्ज हो चुके हैं। तो आप जो है इस टेबल लेआउट से बहुत सारे लेआउट अच्छे अच्छे बना सकते हैं। आपको जितना भी व्यू चाहिए, जो भी लेआउट चाहिए इसमें आप ले सकते हैं। जो भी आपको साइज रखना है अपने व्यूज़ का वो आप इसमें कर सकते हैं। रिलेटिवली यहाँ पर रिलेटिवली और कॉन्स्टेंट डिफाइन करने का कोई मैटर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ क्या होता है कि आप रो डिफाइन करिए और उसमें आप अपने व्यूज़ को इम्प्लीमेंट करिए, बाकी इसमें सब सिंपल होता है नॉर्मली। जैसे हमारा HTML है TR TD होता है, ऐसे ही यहाँ पर बस टेबल रो होता है। टेबल रो बनाइए, सॉरी पहले टेबल लेआउट बनाइए, फिर टेबल रो बनाइए, एंड फिर उसके अंदर आप अपने व्यूज़ को प्लेस कर दीजिए, और आप जो उसमें अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहते हैं आप इजीली अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि जिसमें हमने बताया हुआ है कि लेआउट क्या होता है, लीनियर लेआउट क्या होता है, कॉन्स्टेंट लेआउट क्या होता है, एंड रिलेटिव लेआउट क्या होता है, सो आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उन सभी वीडियोस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां पर जाकर विजिट कर सकते हैं। अगर आपकी इस वीडियो से रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कोई भी सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर या फेसबुक पर हमें फॉलो नहीं किया है तो आप प्लीज़ हमें वहाँ पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पर न्यू न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।